हे दोस्तों, वेलकम टू द चैनल साइको फॉर यू। दोस्तों, मैं हूं संदीप। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। सो दोस्तों, हमारा जो सेशन चल रहा है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी को लेकर के, हम डे वाइज डे क्लासेस कर रहे हैं जिसमें हमने काफी टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। सो जो कुछ प्रीवियस लर्निंग की थ्योरीज हैं जो हमने ऑलरेडी हम कर चुके हैं, वाई वीडियोज, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने अपलोड कर दिए हैं। तो ये इसलिए मैंने इसको लिखा है कि भाई जो भी फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको ये पता चल जाए कि हमने ये सारी चीजें ऑलरेडी कर ली हैं। सो ये अगर आप देखना चाहते हो तो हमारे प्रीवियस लेक्चर को जरूर देख लें, जितने भी लेक्चर्स हमने प्रोवाइड किए हैं उनको देख लें और हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें। ज्वाइन करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। सो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो कि लर्निंग थ्योरी है। वैसे लर्निंग थ्योरी से पहले भी हमने काफी टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। डेवलपमेंट हो गया, पियाजे, कोलबर्ग, विगोत्स्की हो गया, सोशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हमने किया है ना। सो लर्निंग थ्योरीज में हमने ये सारी थ्योरीज कर ली हैं, जिसमें हमने ट्रांसफर ऑफ लर्निंग थ्योरीज की है, जिसमें हमने आइडेंटिकल एलिमेंट थ्योरी जो कि एडवर्ड थॉर्नडाइक ने दी थी, जनरलाइजेशन थ्योरी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की जो कि जुड ने दी थी, और फॉर्मल डिसिप्लिन का कॉन्सेप्ट हमने किया जो कि एरिस्टोल ने किया था। ये तीनों सिद्धांत ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से रिलेट करते हैं। ऐसे ही अगर मैं लर्निंग थ्योरीज की बात करूँ तो हमने यहाँ पे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो कि बाय पैब्लो की फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमने किया था। नेक्स्ट हमने ओपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी की जो कि स्किनर की थी। ट्रायल एंड एरर लर्निंग किया थॉर्नडाइक का। इनसाइट लर्निंग हमने कर लिया है जो कि कोलर ने दिया था। सोशल लर्निंग थ्योरी जो कि भंडूरा ने दी थी। फील्ड थ्योरी हमने कर ली है कर्ट लेविन की। और गैनी का हायरार्किकल कॉन्सेप्ट जिसमें इन्होंने 8 तरीके की लर्निंग्स प्रोवाइड की थी है ना, वो हमने कर लिया है। और जो कि हमारी प्रीवियस क्लास थी तो उसमें हमने साइन लर्निंग थ्योरी की थी जो कि टॉलमैन ने दी थी। ठीक है, सो इन पूरे जो भी ये हमारे पास सिद्धांत हैं, थ्योरीज हैं, इनको अच्छे तरीके से डिटेल से हमने कर लिया है। सो आप किसी भी पेपर की अगर तैयारी कर रहे हो, चाहे वो स्टेट लेवल का पेपर हो, जैसे कि सी टेट के एग्जाम अभी चल रहे हैं ना, और अभी कह रहे हैं कि जो कि हमारे पास मई या जून तक जो कि रीट की परीक्षा होने वाली है ना, मई या जून तक रीट की परीक्षा होने वाली है। सो आपको पता है कि उसमें 30 मार्क्स की चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी रहती है। सो ये सारे कॉन्सेप्ट आप अच्छे से कर लेना, इनमें से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। सो जो भी चीजें हम करने वाले हैं वो आपके इस पेपर में आपको मिल सकते हैं। ठीक है, आप चाहे प्रीवियस पेपर देख लें तो उनमें भी ये चीजें आई हुई हैं। ठीक है, सो प्रीवियस पेपर को एनालाइज करके ही हम जितनी भी थ्योरीज हैं उनको हम प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, सो ये हमारे कॉन्सेप्ट थे। तो ये तो थी कुछ बातें, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है अब हम उसकी बात कर लेते हैं। देखो, हमने लर्निंग की थ्योरी को कवर कर लिया है तो ये इसलिए मैं बता रहा था कि हमने इतनी सारी चीजें कर ली हैं। ठीक है, लेकिन आज अब जो लर्निंग थ्योरीज हैं इसको हम ओवर कर देंगे। ठीक है, ये हमारा साइन लर्निंग थ्योरी से ओवर हो गया है और आज हम नए तरीके का कॉन्सेप्ट को टच करेंगे। ठीक है, सो वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें हम कौन सा कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। इंटरेस्टिंग है, वैसे भी हमने पीछे इसको थोड़ा टच कर लिया है। आपको पता होगा कि जो भी कोलबर्ग थे है ना, सो कोलबर्ग ने थ्योरी दी थी मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, सो मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी थी? कोलबर्ग ने। ये हमने कर ली है। ठीक है, इस थ्योरी की जो भी क्लास थी वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है बाय वीडियो, तो वो आप देख सकते हो। लेकिन कोलबर्ग के बाद मॉरल कॉन्सेप्ट में अगर बात करें, मोरालिटी के कॉन्सेप्ट में बात करें, एक हमारे पास पर्सन थी जो कि वुमन थी जिसका नाम था कैरल गिलिगन। ठीक है, सो कैरल गिलिगन नाम था। इन्होंने कोलबर्ग के कंसेप्ट को क्या किया, इसकी आलोचना कर दी। ठीक है, इन्होंने कोलबर्ग के कंसेप्ट की आलोचना कर दी। आलोचना कैसे कर दी कि भाई इन्होंने जो कंसेप्ट दिया है वह सिर्फ बॉयज को मेन मान करके, कि भाई लड़कों में इस तरीके से मोरालिटी विकसित होती है, डेवलप होती है, तो उसको मेन मान करके लड़कों को अपना कॉन्सेप्ट दे दिया। उन्होंने जो भी लड़कियां होती हैं इनकी बात ही नहीं की अपनी थ्योरी में। सो इसलिए इनका मानना था कि इन्होंने जो कि जेंडर बायस है इसको बढ़ावा दिया, या हम कह सकते हैं जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है इसको बढ़ावा दिया। किसने? इनका मानना था कि कोलबर्ग ने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा दिया। ठीक है, सो ये बात मान करके इन्होंने अपना अलग से कॉन्सेप्ट दे दिया जिसका नाम था कैरल गिलिगन की मोरालिटी थ्योरी, या हम इसको इस थ्योरी का नाम दे सकते हैं जैसे कि कैरल गिलिगन का केयर परस्पेक्टिव
कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो केयर पर्सपेक्टिव कॉन्सेप्ट था जो कि कैरल गिलिगन ने दिया था। सो गाइस आज हम ये सिद्धांत डिस्कस करने वाले हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ अगर हमारे पास टाइम बचेगा, वीडियोस की मीन्स टाइमिंग देखेंगे कितना कितनी टाइम की वीडियो बनी है, तो अगर टाइम थोड़ा बहुत बच जाएगा तो हम एक सिद्धांत और टच कर लेंगे जो कि दिया था हमारे पास प्याजे ने, वो भी मोरालिटी से रिलेटेड था। वो प्याजे का मॉरल डेवलपमेंट का सिद्धांत, ठीक है। सो इसको टच कर लेंगे अगर टाइम बचा तो, नहीं तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। सो बेसिकली आज हमारा जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो कैरल गिलिगन का जो कॉन्सेप्ट है, केयर पर्सपेक्टिव का कॉन्सेप्ट, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एक तो बात ये याद रखोगे कि इन्होंने, कैरल गिलिगन एक लड़की थी, यह एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थी, ठीक है। तो इन्होंने बहुत सारी लड़कियों का जो कि क्या किया था, मींस हम कह सकते हैं इंटरव्यू कंडक्ट किया था, ठीक है। तो इनका इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू लेकर के इन्होंने मींस अपना सिद्धांत दिया कि जो लड़कियां होती है ना, इनमें भी अलग से क्या होती है कि जो कि मोरालिटी होती है वो अलग तरीके की विकसित होती है, जो कि लड़कों से थोड़ा अलग होता है, ठीक है। सो इन्होंने ये कहा कि भाई जो पॉल वर्ग थे, तो इन्होंने इस सिद्धांत को क्रिटिसाइज करके ये कह दिया कि लड़कियों की बात नहीं, कि सिर्फ लड़कों के बारे में बताया है। सो यह जेंडर बायस या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मींस लिंग पक्षपात को यह बढ़ावा देता है यह सिद्धांत, क्योंकि लड़कियों की बात ही नहीं की थी, जैसा कि हम कर चुके हैं मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी में। सो इस सिद्धांत को करने से पहले, मींस आज की वीडियो देखने से पहले, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको कि भाई ये कोल वर्ग का कॉन्सेप्ट आप जरूर देख लेना, ठीक है। सो इसको आप अच्छे तरीके से देख लेना, फिर मींस आप इस वीडियो को देखना जो आज हम करने वाले हैं चीजें, ठीक है। सो हम इस सिद्धांत को देख लेते हैं। सो गाइस जैसा कि हम बात कर रहे हैं कैरल गिलिगन का केयर पर्सपेक्टिव जो सिद्धांत है, ठीक है। सो यहाँ पे दो तीन बातें आपने अब याद रखनी है। देखो एक तो मैं स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ कि भाई इन्होंने कोलबर्ग के सिद्धांत को क्रिटिसाइज करके अपना सिद्धांत दिया, ठीक है। और इन्होंने बहुत सारी लड़कियों का इंटरव्यू कंडक्ट किया था, उसके बाद इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। तो इनके सिद्धांत को हम केयर पर्सपेक्टिव थ्योरी बोलते हैं। इंटरव्यू लेने के बाद इनको पता चला कि लड़कियों में केयर करने की मींस एक एबिलिटी होती है जो कहीं ना कहीं नैतिकता को दर्शाती है, ठीक है। तो वह केयर कब किसकी करती है और केयर कब अपनी करती है, तो ये सारी चीजें इन्होंने बताई, ठीक है। तो इन्होंने मींस इस थ्योरी को हम इसलिए केयर पर्सपेक्टिव थ्योरी कहेंगे, यह मॉरल के कॉन्सेप्ट में ही आता है। और इस थ्योरी का यह दूसरा नाम है एथिक्स ऑफ केयर, ठीक है, कि कैसे एक लड़की जो कि केयर करने के तरीके हैं या एथिक्स हैं उनको सीखती है। बुक की बात करें तो इन्होंने बुक लिखी थी जो कि है हमारे पास यहाँ पे, इन आर डिफरेंट बॉयज, ठीक है। तो इन आर डिफरेंट बॉयज इन्होंने बुक लिखी थी जो कि जिसमें ये बताया गया है कि कैसे जो लड़कियां हैं वह अपना जो विकास है वो करती है। तो ये बुक का नाम है जो कि आप याद रखोगे, इन आर डिफरेंट बॉयज साइकोलॉजिकल थ्योरी एंड वुमन डेवलपमेंट, ठीक है। इनकी थ्योरी की अगर बात करें तो सेम जो कि कोलबर्ग ने, देखो कोलबर्ग की बात करें तो कोलबर्ग ने ना जो अपना सिद्धांत दिया था उसमें तीन तो लेवल लिए थे, ये आप याद रखोगे। और हर लेवल की दो दो, हर एक लेवल की दो क्या होती हैं हमारे पास, स्टेजेस होती हैं। देखो एक ना सिंपल क्वेश्चन आया था, अगर मैं अभी बात करूं, रिसेंटली हमारे पास पीस टेट हुआ है 24 दिसंबर को, ठीक है। 24 दिसंबर को पीस टेट हुआ था, तो उस पीस टेट में एक सिंपल क्वेश्चन आया था कि भाई जो कि कोलबर्ग ने कितनी स्टेजेस प्रोवाइड की है, तो कितनी स्टेजेस प्रोवाइड की है। देखो लेवल हमारे पास तीन थे और हर लेवल की दो दो स्टेजेस थी, ठीक है। हर लेवल की दो दो, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ स्टेजेस थी, यानी कि तीन लेवल और दो दो, हर लेवल की दो दो स्टेजेस। तो कहने का मतलब टोटल हमारे पास छह स्टेजेस थी, ठीक है। तो उसमें तीन ऑप्शन में तीन भी था और ऑप्शन में छह भी था, ठीक है। सो बहुत सारे मीन्स कैंडिडेट इस बात को लेकर के कंफ्यूज हो गए होंगे कि भाई अब यहाँ पे स्टेजेस हमने तीन भी कहीं ना कहीं पढ़ा है और छह भी पढ़ा है, क्योंकि लेवल की बात करें वो तीन थे, इस तरीके से ये लेवल है हमारे पास, ठीक है। और स्टेजेस की बात करें वो छह थी, तो उसका राइट आंसर छह आना था, तीन नहीं आना था। क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन को देखा हो तो उसमें अवस्थाएं पूछी थी, न कि स्तर, ठीक है। इसको बोलेंगे अवस्था, इसको बोलेंगे स्तर, ठीक है। लेवल को हम हिंदी में स्तर कहते हैं और इसको हम अवस्था बोलते हैं, ठीक है। सो अवस्थाएं पूछी थी जो कि छह थी, सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट
ये दोनों चीजें कंफ्यूज करती थी। अगर अच्छे तरीके से आप करके गए होंगे कॉन्सेप्ट को तो आपने राइट आंसर चूज किया होगा। तो चलो इसी तरीके से मीज जो हमारे पास कोलबर्ग ने 3 लेवल दिए थे उन्हीं लेवल को इन्होंने अपने तरीके से मीन्स डिस्क्राइब कर दिया, अपने तरीके से डिफाइन कर दिया कैरल गिलिगन ने। ठीक है, सो इन्होंने 3 लेवल जो कि सेम थे, इसको हम स्टेजेस कह सकते हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, सो वही सेम जो 3 लेवल थे इन्होंने उसको स्टेजेस में कन्वर्ट करके अपने तरीके से डिफाइन कर दिया। सो इनको हम अच्छे तरीके से अब कर लेते हैं। सो ये चीजें आप अपनी कॉपी पे नोट भी कर लेना। सो गाइस जहां पे हमारे पास जो फर्स्ट स्टेज है मॉरल डेवलपमेंट में, केयर पर्सपेक्टिव थ्योरी में, प्री कन्वेंशनल स्टेज की बात कर लेते हैं। तो देखो इसमें थोड़ा बहुत डिस्क्राइब किया है, तो इन्होंने क्या लिखा है, देखो ये जो कि कैरल गिलिगन थे उनके अनुसार है। तो इसमें वो कह रहे हैं कि देखो बालिकाएं, जो यहाँ पे बालिका वर्ड है ना, यह है गर्ल्स या लड़कियां जो है उनको डिनोट करता है। तो इसमें जो लड़कियां होती हैं वह नैतिकता की, कह रहे हैं उनको अच्छे तरीके से अभी समझ नहीं होती। ठीक है, इसमें जस्ट वो जो भी तरीके का व्यवहार कर रही है वो बेसिकली स्वयं की देखभाल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब बात आएगी सेल्फ केयर। ठीक है, तो वो क्या करती है, जस्ट सेल्फ केयर, अपनी देखभाल के लिए ही व्यवहार करती है। मीन्स उसी तरीके का बिहेव चूज करेगी जिसमें कहीं ना कहीं उनका फायदा होता है। ठीक है, तो अपने स्वार्थ के लिए कार्य करना प्री कन्वेंशनल स्टेज में आता है। तो कह रहे हैं वे उसी तरीके से व्यवहार, उसी तरीके के व्यवहारों को महत्वता देती है। मीन्स यहाँ पे जो लड़कियां होती हैं वह प्रेफर किन व्यवहारों को करती है, तो उन्हीं तरीके के व्यवहारों को प्रेफरेंस देती हैं जो उनकी रुचि के, जो उनकी रुचि मीन्स जो उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, सो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही जो व्यवहार है उनको वह चूज करती है। नेक्स्ट हमारे पास कह रहे हैं कि स्वयं में, सॉरी स्वयं को जो भी सोसाइटी होती है या वातावरण होता है, सो मीन्स समाज और वातावरण में बनाए रखने के लिए व्यवहार करती है। और बनाए रखने का मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि खुद को क्या करना, सरवाइव करना। तो अपनी सरवाइव करना मीन्स अपने लिए किस तरीके से वह अपने आप को सरवाइव करती है, बनाए रखती है, एडजस्ट करके रखती है समाज में, वो सारी चीजें प्री कन्वेंशनल स्टेज में आती है। सो सिंपली हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो भी उनका मेन फोकस होता है, ठीक है, मेन फोकस ऑन सेल्फ केयर, या हम कह सकते हैं सेल्फिशनेस, या हम कह सकते हैं सेल्फ इंटरेस्ट, या सिंपली सेल्फ नीड, नीड भी आप यहां पे रख सकते हो, एंड सर्वाइव करना। ठीक है, सो सेल्फ सर्वाइवल। ठीक है, तो अपने सर्वाइवल के लिए वो क्या करती है, कार्य करती है। तो ये इसके कीवर्ड हैं जो कि आप अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हो। तो उनका, लड़कियों का जो मेन फोकस होता है वह किस पर होता है, कि अपनी देखभाल करती है। ठीक है, वह मीन्स थोड़ा स्वार्थ के लिए काम करती है, वह अपना मीन्स फायदा देखती है कि जिस कार्य में उसको फायदा होगा वो उसी कार्य को प्रेफर करेगी। सेल्फ इंटरेस्ट मीन्स अपनी रुचि के लिए जो भी इंटरेस्ट रखती है जिन कार्यों में वो करती है, और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और सर्वाइव करने के लिए कि समाज और वातावरण में मीन्स अपने जीवन को कैसे बनाए रखना है, एडजस्ट करके रखना है, तो वो सारी चीजें प्री कन्वेंशनल स्टेज में आती है। सो सिंपली देखो जो हम करेंगे ना, इसमें 3 स्टेजेस, तीनों स्टेजेस में हमारे पास ये वर्ड आएगा केयर, इसलिए इसको हमने केयर पर्सपेक्टिव थ्योरी बोला। ठीक है, देखभाल परिप्रेक्ष्य का सिद्धांत, हिंदी में हम इसको बोलते हैं देखभाल परिप्रेक्ष्य का सिद्धांत। तो इसलिए हमने इसको केयर बोला क्योंकि तीनों स्टेजेस में हमारे पास एक ही वर्ड देखने को मिलेगा, केयर, कि केयर करती है। जैसे कि अब यहाँ पे मैं एग्जाम्पल की बात करूं, ठीक है, अब यहाँ पे वह अगर किसी वुमन या लड़की में कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट्स किसको लेकर के पैदा हो जाता है, कि दूसरों दूसरों की आवश्यकताओं को लेकर के, या स्वयं की आवश्यकताओं को लेकर के, ठीक है, सेल्फ नीड को लेकर के, अगर उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो गया, जैसे कि लड़की को ये लग रहा है इस स्टेज में कि भाई मैं दूसरों की हेल्प करूं, मीन्स दूसरों की आवश्यकताओं को पूरा करूं या अपनी आवश्यकताओं को पूरा करूं, तो इस स्टेज में वह किसको प्रेफर करेगी, सेल्फ नीड को प्रेफर करेगी, इसको प्रेफर वह नहीं करेगी। ठीक है, सो ये हमारे पास प्री कन्वेंशनल जो स्टेज है
केयर पर्सपेक्टिव थ्योरी की, तो इसमें ये चीजें आप नोट कर सकते हो। ये कीवर्ड बिल्कुल मत भूलना, इसको आप याद रख लेना, ठीक है। तो इसमें जो मेन फोकस होता है वो ये है, ठीक है। सो इसको आप अपनी कॉपी पे नोट कर दो, हम सेकंड स्टेज देख लेते हैं। सो गाइस, हमारे पास यहाँ पे सेकंड स्टेज है कन्वेंशनल मॉरल, ठीक है। सो इसमें देखो, इसमें क्या है, इसमें कह रहे हैं बालिकाओं में, तो ये भी मीन्स बस ये याद रखना कि यहाँ पे हमने लड़कियों की बात करनी है। सो बालिकाओं में दूसरों की देखभाल, ठीक है। सो यहाँ पे जो फीलिंग है ना, फीलिंग ऑफ अदर्स केयर, ठीक है। तो यहाँ पे जो दूसरों की देखभाल करने की फीलिंग है वो क्या है, लड़कियों में आने लग जाती है। तो वह क्या करती हैं कि दूसरों के लिए, जैसे कि भलाई का काम करना या आत्म बलिदान देना, सो ऐसी चीजें उसमें पनपने लगती हैं। सो इसी तरीके का व्यवहार करती हैं जो दूसरों के लिए भलाई का हो, ठीक है। सो दूसरों की केयर अब यहाँ पे ज्यादा करने लग जाती है, वह अपनी जो भी जिम्मेदारी है सो उसको समझने लग जाती है। सो इसमें वह रिस्पॉन्सिबल हो जाती है थोड़ा, लेकिन इसमें जस्ट चीजों को सीख रही होती है, क्योंकि जो थर्ड स्टेज हम करेंगे, थर्ड स्टेज में भी हमारे पास इसी तरीके की चीज आएगी कि वह दूसरों की केयर करती है, लेकिन वहां पे जो दूसरों की केयर करना है उसको वे स्वीकार कर देती है बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है। सो कन्वेंशनल मॉरल में आप यहाँ पे याद रखोगे कि जो यहाँ पे मेन फोकस रहता है, ठीक है, मेन फोकस ऑन हम कह सकते हैं सेल्फलेसनेस एंड ये लिख लो, केयर अबाउट अदर, ठीक है। सो ये चीज आप लिख सकते हो कि यहाँ पे ये इसके कीवर्ड ही है, ठीक है, कि भाई यहाँ पे जो मेन फोकस रहता है वो एक तो सेल्फलेसनेस है या केयर अबाउट अदर है, ठीक है। आप इसमें सेक्रीफाइस भी लिख सकते हो, ठीक है, कि वो क्या करने क्या कर सकती हैं, सेक्रीफाइस कर सकती हैं, मीन्स बलिदान दे सकती हैं, ठीक है। सो इसमें आप ये भी लिख सकते हो, हाँ, दूसरों की आवश्यकताओं और इच्छाओं को ज्यादा महत्व देना, मीन्स हम कह सकते हैं कि कंसर्न कंसर्न मोर विद अदर नीड्स एंड डिशेस, ये आप लिख सकते हो कि उनका ज्यादा कंसर्न किसकी तरफ होता है, वह दूसरों की इच्छाओं और आवश्यकताओं की तरफ होता है। सो ये हमारे पास कन्वेंशनल मॉरल है। इसमें जस्ट ये याद रखोगे कि एक ऐसी फीलिंग आने लग जाती है जो स्वयं मींस स्वयं के फायदे की बजाय दूसरों के फायदे के बारे में सोचने लग जाती हैं, ठीक है। सो इसमें एक ऐसी थिंकिंग क्रिएट होने लग जाती है कि उन्हें ये लगता है कि इसमें अगर दूसरों का फायदा हो रहा है ना, तो इसमें वो फिर अपना फायदा नहीं करती, वह दूसरों के फायदे की बात करती है, मीन्स उसकी तरफ ज्यादा ध्यान उनका रहता है, ठीक है। सो ये है कन्वेंशनल मॉरल। आगे हम थर्ड स्टेज कर लेते हैं। तीनों स्टेजेस को करने के बाद हम उसको अच्छे तरीके से आपको समझा दूंगा कि क्या क्या थी, अगर फिर भी यहाँ पे कुछ कुछ चीजें आपको नहीं क्लियर हो रही होगी। वैसे तो डेफिनेशन हमारे पास सिंपल पड़ी है, ठीक है, इन चीजों को समझो और जो भी है चीजों को याद कर लो, अपनी कॉपी पे नोट कर लो, लेकिन फिर भी देख लेंगे। थर्ड हम स्टेज देख लेते हैं, इसमें ये कीवर्ड आप लिख लेना, ठीक है। सो गाइज, हमारे पास यहाँ पे थर्ड स्टेज है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। सिंपल है, देखो इसमें हमने लिखा है कि इसमें जो लड़कियां होती है वह स्वयं को एक विकसित मानव समझ करके दूसरों की देखभाल करने की भावना को स्वीकार करना। देखो इसको थोड़ा मीन्स, अब देखो इसमें भी हमने कहा कि दूसरों की भावना है ना, सॉरी सॉरी दूसरों की देखभाल, सो गाइज हमारे पास यहाँ पे जो थर्ड स्टेज है, देखो इसमें कह रहे हैं कि स्वयं को विकसित मानव समझकर दूसरों की देखभाल करने की भावना। देखो अब अगर मैं सेकंड स्टेज की बात करूं, हमने जो कन्वेंशनल में किया है ना, कन्वेंशनल में भी हमने किया था कि फीलिंग्स ऑफ अदर केयर है ना, तो यहाँ पे भी फीलिंग ऑफ अदर केयर आ रही है, लेकिन यहाँ पे मैंने कहा था कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो भी दूसरों की देखभाल करना है उसको वह समझ रही होती है, सीख रही होती है, उसकी फीलिंग उनमें आ जाती है, लेकिन अभी इस स्टेज में उसको वह अच्छे तरीके से स्वीकार नहीं करती। तो यहाँ पे बेसिकली जो मेन चीज है वो है स्वीकार करना, कि पोस्ट कन्वेंशनल जो मॉरल है इस स्टेज में
कि जो लड़कियां होती हैं वह एक्सेप्ट कर लेती हैं उस भावना को जो उनके अंदर आ जाती है। कहने का मतलब यहाँ पे जो केयर करना है दूसरों की, तो वह एक स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट बन जाता है, ठीक है, इस स्टेज में। ठीक है, तो जब लड़की का मीन्स जो भी उसमें भावना आई उसने स्वीकार कर लिया, तो हम बोलेंगे कि वह इस स्टेज में एंटर कर गई है। ठीक है, सो कहने का मतलब अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करूं, तो एग्जाम्पल में देखो सबसे बड़ा मीन्स उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट क्या होता है कि मैरिज के बाद, है ना, मैरिज के बाद जब एक लड़कियां ज्यादातर जो भी उनका का मीन्स खुद का घर है उसको वह क्या कर देती हैं, छोड़ देती हैं और किसी दूसरों के घर में जाकर के वह रहती हैं, है ना, अपने पेरेंट्स को यहाँ तक कि वह उस टाइम पे छोड़ देती है। तो यह सबसे बड़ा सैक्रिफाइस तो है, इस चीज को उसने एक्सेप्ट कर लिया कि अपने पेरेंट्स को छोड़ करके किसी दूसरे के घर में जाकर के एज अ वाइफ के रूप में काम करना, है ना। तो वह वहां पे एज अ वाइफ बन करके किसी दूसरे के घर में जा करके, तो उनके जो भी एक लड़का होता है ना, सो उसके पेरेंट्स की देखभाल भी करती है वो, है ना, उनके पेरेंट्स की देखभाल भी करती है। मीन्स अपने पेरेंट्स को त्याग देना और दूसरे के घर में जा करके दूसरों के पेरेंट्स की केयर करना, तो और क्या कर दे भाई औरत, एक और क्या कर दे। तो यही तो एक सबसे बड़ा सेक्रीफाइस है ना। सो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें वो चीजें एक्सेप्ट करने लग जाती हैं कि किसको छोड़ना है और किसको मीन्स अपनाना है। वह वाइफ के रूप में काम कर रही होती है, वह मदर के रूप में भी काम करती है ना, कि एज अ मदर वह अपने बच्चे की केयर करती है इसमें। तो बच्चे को मीन्स बच्चे को पैदा करना और आगे उसकी पालना करनी, है ना, तो ये भी बहुत डिफिकल्ट जॉब है भाई एक माँ के लिए। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे एक सिस्टर की बात करूं, तो एज अ सिस्टर वह मीन्स अपने भाई की भी देखभाल कर रही होती है ना। सो ये सारी चीजें क्या है, यह पोस्ट कन्वेंशनल मॉरल में चला जाता है। मींस इन चीजों को देखभाल करने की जो भावना आई है, ठीक है, वो सेकंड स्टेज में, और उस भावना को आगे एक्सेप्ट कर लेना अपने मींस कह सकते हैं कि अपनी लाइफ में उसको अप्लाई कर लेना उन चीजों को, ठीक है, तो वो पोस्ट कन्वेंशनल मॉरल में आता है। सो आई होप कि इसमें समझ गए होंगे। इसी में हम ट्रांजिशन समझेंगे कि कैसे उनमें परिवर्तन आता है। देखो हमने तीन स्टेजेस की हैं, तो मैं उसको थोड़ा सा फिर से दोबारा से समझा देता हूँ, इसमें आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। हमने यहाँ पे तीन चीजें, तीन स्टेजेस की, वो आपको पता है कौन कौन सी, प्री कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल और सॉरी प्री कन्वेंशनल फर्स्ट हमने की, प्री कन्वेंशनल सेकेंड हमने की कन्वेंशनल, और थर्ड हमने की पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, इसमें हमने किया कि वह सेल्फ मींस खुद के लिए, इसमें हमने सेल्फ केयर वर्ड किया था मीन कि वह खुद के लिए काम करती है। ठीक है, इसमें हमने किया कि उसमें जो फीलिंग आती है वह फीलिंग ऑफ अदर केयर। ठीक है, तो इसमें जो फीलिंग ऑफ अदर केयर है उसको वह क्या कर लेती है, एक्सेप्ट कर लेती है, ठीक है, स्वीकार कर लेती है एज अ वाइफ, एज अ मदर, एज अ सिस्टर के रूप में उसको स्वीकार करके अपना जीवन व्यतीत कर रही होती है। तो भाई ये तीनों स्टेजेस थी। इसमें हमारे पास जो ट्रांजिशन होती है, कहने का मतलब जब वह इस स्टेज से इस स्टेज में एंटर करती है, तो उसको बोलते हैं चेंजेस आना। तो चेंजेस कैसे आता है, तो इसमें लिखोगे ट्रांजिशन फ्रॉम सेल्फिशनेस टू, वह यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, तो उनमें ट्रांजिशन जो होती है वह सेल्फिशनेस से रिस्पॉन्सिबिलिटीज की ओर जाती है। ठीक है, सो फ्रॉम सेल्फिशनेस टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहने का मतलब वह इस स्टेज में एंटर कर गई। ठीक है, सो यह हमारे पास ट्रांजिशन जब वह फर्स्ट स्टेज से सेकेंड स्टेज में जाती है। अब जब हमारे पास वह सेकेंड स्टेज में से सॉरी सेकेंड से थर्ड स्टेज में जाती है एक महिला या एक औरत या एक लड़की, तो उस ट्रांजिशन को हम क्या कहेंगे, तो उसको भी आप लिख लो अपनी कॉपी पे। यहाँ पे लिखोगे ट्रांजिशन फ्रॉम, तो इसमें वह भलाई के लिए काम कर रही थी, गुडनेस टू ट्रुथ दैट शी इज
पर्सन टू, ऐसे लिख लो, शी इज अ पर्सन टू, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन उसमें आती है जब है थर्ड स्टेज में एंटर करती है कि भाई भलाई के लिए जो भावना आ रही थी तो उसको क्या मान लेना, उसको सच मान लेना कि एज अ पर्सन बन करके जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही है उनको यहाँ पे एक मानव बन करके, जैसे कि देखो थर्ड डेफिनेशन में हमने यही किया था, एक विकसित मानव के रूप में अपनी जो भी जिम्मेवारियां हैं उसको वह स्वीकार कर लेती है ना। सो यहाँ पे उस सच्चाई को वह एक्सेप्ट करती है एक मानव समझ करके कि वह एक ह्यूमन बींग है, और उस सच्चाई को जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज की है, ठीक है, भलाई की है, उस सच्चाई को इसमें वो एक्सेप्ट करती है। तो एज अ वाइफ मदर और सिस्टर के रूप में वह पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में एंटर कर जाती है और उन सारी चीजों को स्वीकार करके, ठीक है, आगे अपना जीवन जीती है ना। सो होप कि ये पोस्ट कन्वेंशनल में उनका जो सेक्रीफाइस था उसको भी आप समझ गए होंगे, कन्वेंशनल में उनमें किस तरीके की फीलिंग आती है वो भी आप समझ गए होंगे, और प्री कन्वेंशनल में तो चलो वह खुद की ही केयर कर रही है, खुद को सजाना संवारना, ठीक है, ये सारी चीजें सेल्फ केयर से रिलेट करती है, तो यह प्री कन्वेंशनल स्टेज है। सो आई होप कि ये कैरल गिलिगन का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। सो आगे हम जो भी पियाजे ने थ्योरी दी थी मॉडल डेवलपमेंट की उसको हम देख लेते हैं। सो गाइज हमारे पास जो आगे है कैरल गिलिगन के बाद जो पियाजे ने कॉन्सेप्ट दिया था मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी का, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, देखो कोलबर्ग हमने कर लिया है बहुत पहले, कैरल गिलिगन का जो कि उन्होंने क्रिटिसाइज करके लड़कियों पर अपना सिद्धांत दे दिया वो भी हमने कर लिया, पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी वो भी हमने कर दी, लेकिन इन्होंने मॉरल डेवलपमेंट का सिद्धांत भी दिया था। तो इन्होंने तीन स्टेजेस ली थी इन्होंने भी, इसमें हमारे पास स्टेजेस का नाम है फर्स्ट एनोमी, ठीक है, जो सेकंड स्टेज थी वो थी हमारे पास हेट्रोनोमी, और जो थर्ड स्टेज आती है उसका नाम है ऑटोनोमी, ठीक है। ये हमारे पास तीन स्टेजेस थी, एनोमी, हेट्रोनोमी और ऑटोनोमी, ये आप याद रखोगे, एक तो स्टेजेस को कभी मत भूलना, ठीक है। एनोमी की अगर बात करें, यह जन्म से लेकर के इन्होंने 2 वर्ष कही, यह 2 से लेकर के 8 वर्ष और यह 8 से ऊपर, ठीक है, तो ये इनकी एज थी। एनोमी की बात करें तो इसमें उनका मानना था कि बच्चा न तो नैतिक होता है, ठीक है, न तो नैतिक और न ही अनैतिक होता है। तो इनका मानना था कि जन्म के बाद लगभग 2 वर्ष तक उसे नैतिकता और अनैतिकता का नहीं पता होता, मीन्स उसको नैतिकता और अनैतिकता की समझ नहीं होती, ठीक है, मीन्स अच्छे बुरे की समझ नहीं होती, ये भी आप लिख सकते हो कि अच्छे या बुरे की समझ नहीं होती, ठीक है। इसमें जस्ट बच्चा किस तरीके से व्यवहार करता है कि अपना मीन्स जस्ट उसका क्या हो रह सके, उसकी इच्छाएं जो उसकी आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो, उसके लिए वह व्यवहार करता है, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि अपनी इच्छाओं या आप इसको नीड्स बोल सकते हो, ठीक है, नीड्स की पूर्ति के लिए व्यवहार, जैसे कि बच्चे को भूख लगी है तो वह रोने लग जाता है, तो उसको भूख लगी है भाई, तो भूख को मिटाना, ठीक है, भोजन देना, यह उसकी कहीं ना कहीं नीड हो सकती है, ठीक है, उसकी नीड हो सकती है, आवश्यकता हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या है, मीन्स एनोमी में आता है, बच्चा एक खिलौना पाने के लिए जिद कर रहा है तो वह रोने लग जाता है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि वह अनैतिकता व्यवहार शो कर रहा है, जस्ट वह अपनी उस नीड को पूरा करना चाहता है, जो खिलौना वह पाना चाहता है उसको वह चाहे वह रो करके, ठीक है, या अपने माता पिता को कैसे भी कन्विंस करके उस खिलौने को वह चाहता है तो वो उसे मिलना चाहिए, तो अपनी नीड को पूरा करने के लिए वह क्या करता है, व्यवहार करता है। तो ये तो सिंपल था एनोमी, ठीक है। अगर मैं हेट्रोनोमी की बात करूं, सो हेट्रोनोमी में हमारे पास ना आप यहाँ पे याद रखोगे 2 स्टेजेस आती है इसमें, फर्स्ट और सेकेंड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्स्ट स्टेज है डिसिप्लिन, ठीक है, फर्स्ट स्टेज हमारे पास आती है डिसिप्लिन, और जो सेकंड स्टेज है वो है रेसिप्रोसिटी, रेसिप्रोसिटी, ठीक है। सो ये 2 स्टेजेस आती है हेट्रोनोमी में, ये याद रखना, ठीक है, डिसिप्लिन और रेसिप्रोसिटी। इसमें आप याद रखोगे, इसमें आज्ञा व दंड के आधार पर कार्य करना, ठीक है,
आ गया वह दंड के आधार पर। कहने का मतलब जो कोलबर्ग ने फर्स्ट स्टेज दी थी ऑर्डर सॉरी पनिशमेंट एंड ओबीडियंस की, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस की, उसी के अकॉर्डिंग मीन्स जो डिसिप्लिन स्टेज है उसी के समान है कोलबर्ग की पहली स्टेज, जो कि कोलबर्ग की पहली स्टेज थी फर्स्ट लेवल की पहली स्टेज, उसी के समान है यह। मीन्स बच्चा जो भी व्यवहार करता है, जो वह क्या है किसके बेस पे करता है, पुनिशमेंट एंड ऑबिडेंस के बेस पे। उसे अच्छे बुरे की समझ किस बेस पे आती है, उसे इसी बेस पे आती है कि अगर किसी कार्य को न करने पर या किसी कार्य को करने पर उसे दंड मिल रहा है तो उसे पता चल जाता है कि वह कार्य गलत है। अगर वह किसी आज्ञा का पालन नहीं करता तो उसे दंड दिया जाता है, तब भी उसे पता चल जाता है कि हमें मीन्स एक तरीके से ऑबिडेंस बनना पड़ेगा। ठीक है, सो ये है डिसिप्लिन। रेसिप्रोसिटी का मतलब होता है सिंपली आदान प्रदान करना। ठीक है, सो इसका मतलब होता है आदान प्रदान। कहने का मतलब मीन्स जो कि शेयर करने की भावना इनमें आ जाती है। अब शेयर कैसे करना है, देखो चीजों को शेयर करना, शेयर करना आप जानते हो, इसमें बच्चे ना ये समझते हैं कि अगर मैं एक वस्तु, अगर किसी ए लड़के ने बी को एक वस्तु दे दी तो फिर वह बी से किसी वस्तु की डिमांड कर सकता है। तो ये है शेयर करना कि भाई मैंने एक वस्तु आपके साथ शेयर की है तो दूसरी वस्तु अगर मुझे जरूरत है तो वो आपको देनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने ए ने किसी क्लास में एक बच्चे ने, जहाँ वो उसका नाम है ए, तो उसने उसको अपना शार्पनर दे दिया है ना, तो शार्पनर दे दिया तो वह बी से इरेजर ले सकता है कि भैया आप मुझे इरेजर दो। ठीक है, सो इस तरीके से जो हम चीजों का लेन देन करते हैं वो रेसिप्रोसिटी में आता है, हेट्रोनॉमी की सेकंड स्टेज में। ठीक है, तो इसमें बच्चे शेयर करते हैं चीजों को, अपना खिलौना दे करके दूसरा खिलौना ले लेना, तो ये क्या है शेयर करना है, अपना खिलौना दे खेलने के लिए दूसरे बच्चे को दे देना और दूसरा खिलौना खेलने के लिए खुद ले लेना है ना दूसरे बच्चे का। तो ऐसी जो भावना होती है बच्चों की या इस तरीके का जो व्यवहार वो कर रहे होते हैं वह रेसिप्रोसिटी में आता है। इसमें आप एक और याद रखोगे, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, इसमें जो मेन पॉइंट तो रह ही गया था, इसमें जो मेन बात है वो आप याद रखोगे, इसको आप नोट में भी लिख सकते हो, इम्पोर्टेंट है यह कि इसमें जो भी बच्चे होते हैं, इसमें इसमें बच्चे नियमों को समय व परिस्थिति के अनुसार बदलते नहीं है। ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि जो भी बच्चे होते हैं उनकी यह समझ होती है कि जो भी समाज ने नियम बना दिए हैं तो उनको हम किसी भी सिचुएशन में या किसी भी समय पर हम उसको तोड़ नहीं सकते। कहने का मतलब समाज के बनाए हुए नियमों की पालना करना या उनको फॉलो करना। तो इसमें ब्लाइंडली हम कह सकते हैं कि आंखें बंद करके बच्चे नियमों की पालना करते हैं, जो भी समाज ने स्टैंडर्ड्स रूल्स रेगुलेशंस ठीक है जो भी क्रिएट कर रखे हैं बना रखे हैं अपनी सुविधा के लिए, तो उनकी वह पालना करते हैं, उनको मीन्स फॉलो करते हैं। वह अगर उनको ये समझते हैं कि अगर नियमों को तोड़ दिया तो किसी तरीके से उनको पुनिश किया जा सकता है, मतलब कि उनको ये लगता है कि हम नियमों को चेंज कर ही नहीं सकते। जो नियम होते हैं वह क्या होते हैं, मीन्स अपरिवर्तनीय होते हैं, मीन्स जो रूल है वह अनचेंजेबल है। वो ये समझते हैं कि रूल्स को तोड़ा ही नहीं जा सकता, उन्हें ये लगता है कि यह कहीं ना कहीं गलत हो सकता है अगर रूल को तोड़ दिया गया। जैसे कि उन्हें ये लगेगा कि भाई झूठ बोलना पाप है ना, हम कह देते हैं ना कि झूठ बोलना पाप है, तो उन्हें लगेगा कि अगर उन्होंने झूठ बोल दिया तो वह पाप ही लगेगा उन्हें कहीं ना कहीं। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि किसी दूसरे
के फायदे के लिए या दूसरे की भलाई के लिए समटाइम हमें झूठ बोलना भी पड़ सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप भाई झूठ बोल नहीं सकते, है ना। तो बहुत बार ऐसी चीजें आ जाती हैं, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं हमारी लाइफ में कि हमें उससे निकलने के लिए कई बार झूठ भी बोलना पड़ सकता है ना। तो जरूरी नहीं है कि हम ये नहीं बोलते या हम कभी भी झूठ नहीं बोलते या गलत काम नहीं करते। बहुत सारे लोग अपने लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हैं कि नियमों को तोड़ करके कर देते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि भाई ये नियम मेरा अंतर्मन है, वो मीन्स इसको तोड़ सकता है और यह गलत नहीं है। जैसे कि सिंपली हमने कोलबर्ग की थ्योरी में किया था ना कि अगर हम रेड लाइट को तोड़ देते हैं किसी की जान बचाने के लिए, है ना, जो भी रेड लाइट का नियम है, तो कहने का मतलब वो गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हेट्रोनॉमी की रेसिप्रोसिटी या डिसिप्लिन में या हेट्रोनॉमी में अगर मैं बात करूं तो इसमें बच्चे ऐसे जो नियम बना रखे हैं कि रेड लाइट को नहीं तोड़ना, तो वो कभी नहीं तोड़ेंगे चाहे किसी दूसरे पर्सन की जान चली जाए, ठीक है। ये क्या है, मीन्स समाज द्वारा बनाए गए नियमों को वह समझते हैं कि वह अनचेंजेबल है, वह कभी भी बदले नहीं जाते, ठीक है। तो किसी भी सिचुएशन में या किसी भी समय में वह समाज में नियमों को नहीं तोड़ते। तो ये यहाँ पर याद रखोगे हेट्रोनॉमी में। तो आगे मैं जो लास्ट स्टेज है उसको बता देता हूँ। हेट्रोनॉमी के बाद हमारे पास थर्ड स्टेज आती है ऑटोनॉमी। जो हमने 8 से ऊपर की है, ठीक है। सो यह 8 से ऊपर है ऑटोनॉमी। देखो ऑटोनॉमी, ऑटो का मतलब आप जानते हो कि स्वयं होता है। सो सिंपली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बच्चे स्वयं के अपने नियम बनाने लग जाते हैं, स्वयं के नियम बनाने लगना। कहने का मतलब हेट्रोनॉमी में वह दूसरों के द्वारा बनाए गए नियमों को फॉलो करते थे, समाज के द्वारा या पेरेंट्स के द्वारा या संस्कृति के नियम जो होते हैं, है ना। लेकिन ऑटोनॉमी में वह अपने नियम बनाते हैं। अगर उन्हें लगता है कि समाज ने कुछ ऐसा नियम है जो गलत बना रखा है तो वो उन्हें तोड़ते हैं। जैसे कि दहेज प्रथा का नियम हो गया, है ना, या जात पात का भी तो नियम ही है ना। कास्ट को लेकर के नियम बना रखे हैं अलग अलग लोगों ने, धर्म को लेकर के नियम बना रखे हैं लोगों ने, तो वो यहाँ पे हम उसको कहीं ना कहीं तोड़ सकते हैं। तो ऑटोनॉमी में हम यही लिखेंगे कि इसमें नैतिकता और अनैतिकता की समझ आ जाती है, कि बच्चों में नैतिकता और अनैतिकता की समझ आ जाती है इसमें, ठीक है। एक तो ये लिख लो, दूसरा इसमें लिखोगे, इसमें समाज के बनाए हुए नियमों को समय व परिस्थिति के अनुसार बदल सकते हैं। मीन्स जो रूल होते हैं वो क्या है, चेंजेबल है, ठीक है। जो रूल है वह परिवर्तनीय है, और हम ये भी लिख सकते हैं कि परिवर्तनीय है और चेंजेबल और अनिश्चित। अनिश्चित वर्ड भी आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है, वह अनिश्चित है। कहने का मतलब कि अनिश्चित का मतलब कि फिक्स नहीं है, ठीक है, फिक्स नहीं है। मीन्स ऐसा नहीं है कि समाज ने जिन रूल्स को बना दिया है उसको हम बदल नहीं सकते, ठीक है। तो उनको हम बदल सकते हैं, लेकिन हेट्रोनॉमी में वो रूल्स को निश्चित मानते हैं और अनचेंजेबल मानते हैं। मैं सेकंड स्टेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये है हमारे पास ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी रिलेट करती है, ये भी आप याद रखोगे, जो कोलबर्ग की लास्ट स्टेज थी, यूनिवर्सल एथिकल, ठीक है, ये आप याद रखोगे, यूनिवर्सल एथिकल के साथ रिलेट करती है। कोलबर्ग की यह सिक्स्थ स्टेज है, कोलबर्ग थ्योरी, ठीक है, सिक्स्थ स्टेज ऑफ कोलबर्ग थ्योरी, यह सिक्स्थ स्टेज है। और एक और याद रखोगे आप, यह जो कि फॉर्मल स्टेज है, फॉर्मल स्टेज जो कि फोर्थ स्टेज है,
इसकी फोर्थ स्टेज है, ये आपको पता है, पियाजे की थ्योरी की। ठीक है, पियाजे की थ्योरी की फॉर्मल स्टेज के साथ भी रिलेट करती है। तो ये आप याद रखोगे, हमने तीन स्टेजेस की है, एनोमी, सेकंड हमने की हेटरोनोमी, और थर्ड की हमने ऑटोनोमी। एनोमी में न तो वो नैतिक होता है न ही अनैतिक होता है, उसे समझ नहीं होती, वह अपनी इच्छाओं को आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काम करता है। हेटरोनोमी में हमने दो स्टेजेस की है, एक तो हमने किया डिसिप्लिन और दूसरा हमने किया रेसिप्रोसिटी। डिसिप्लिन में वह सिटी में आदान प्रदान करने की जो फीलिंग है, जो भावना है, वो उनमें आ जाती है और वह चीजों का आदान प्रदान करते हैं। रेसिप्रोसिटी में एक समझ ये होती है कि जो रूल है उनको हम कभी भी बदल नहीं होते सकते, वह रूल क्या रहते हैं, फिक्स ही रहते हैं। लेकिन ऑटोनॉमी में चीजें उसके अपोजिट हो जाती हैं। हेटरोनॉमी के यह अपोजिट चीजें हो जाती हैं, मीन्स इनमें जो थिंकिंग है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। इसमें वह समाज के द्वारा बनाए गए नियमों को तोड़ सकता है, बदल सकता है, मीन्स अपनी जो सेंस है उसका यूज करता है, अपने कॉन्शियस माइंड का यूज करता है बच्चा। ठीक है, सो ये ऑटोनॉमी आप अपनी कॉपी पे लिख लेना। सो भाई ये थे दोनों सिद्धांत, केयर पर्सपेक्टिव थ्योरी कैरल गिलिगन का और मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी पियाजे की। ठीक है, सो इसको आप अपनी कॉपी पे नोट कर लिया होगा आपने पूरा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ आया, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं। जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना, वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। सो किसी भी स्टेट लेवल के पेपर की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो प्लीज हमारे साथ जुड़ें, ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल को जो भी हम वीडियोस प्रोवाइड करते हैं शेयर किया कि करें, ताकि भाई हमारा हमें कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिले। ठीक है, सो मिलेंगे आगे और टॉपिक के साथ, देखते रहें साइको फॉर यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।